हमारे दोस्त जी जी आ? अरे वाह, हेलो कपिल सर, हेलो हेलो, आपकी टी शर्ट के ऊपर आपकी फोटो है किसी और की है? नहीं सर, दूसरे किसी की है। एक्चुअली पेट बाहर होने की वजह से उसकी टांगे ऐसे हुई हुई है। उसका पोस्टर बना हुआ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग तलरेजा है जी। चिराग, मेरा क्वेश्चन शायद सर से है जी, पूछिए। सर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। हाँ। सर मेरे को अपने कॉलेज का स्टड बॉय बनना है जैसे शायद सर जी है। तो सर मेरे को शायद सर से थोड़ी टिप्स चाहिए। शाहिद कॉलेज जाते नहीं लेकिन फिर भी कॉलेज गोइंग लगते हैं। आप तो रिटायर्ड प्रोफेसर लग रहे हैं। शाहिद बताइए हमको, टिप्स बताइए तो। अच्छा। वो सीख के क्या करेंगे फिर आप? सर मेरे को भी शायद सर की तरह बनना है। अच्छा, सर किस्मत खराब करो किसी ना किसी की बात में कॉलेज में। आ जाइए आ जाइए आइए। ये जो आप जब चलते हैं स्पेस तो बीच में है नहीं, तो पेंट की जगह वैसे स्कर्ट बनवा लेते हैं आप। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। शाहिद आपके सामने है, जो चाहे आप सीख सकते हैं। अपना कुछ मत सिखाना। नहीं सर, चलो तो आपसे स्टेप बॉय बनना है तो पहले ही एरिया इतना बाहर, ऊपर से वॉलेट डाला हुआ अंदर, वॉलेट बाहर निकाल लो। एक काम करते हैं, ये जिस डायरेक्शन में खड़े ना मैं खतरे में हूँ इस तरह। एक काम करते हैं, ये बहुत लकी डे है तुम्हारे लिए कि एक तो कपिल ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स तुम्हारे ऊपर कि इलियाना यहाँ हमारे बीच में है। Yes, sir. है ना, तो कॉलेज में स्टड बॉय बनने के लिए yeah. लड़की को अप्रोच कैसे करते हैं? Yes, है ना, sir, आप देखा किस तरह? मैं बेटा कंट्रोल करो। हम धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पर। तो इलियाना जी प्लीज आप आइए। है ना, और इनके साथ कैसे आपको बात करनी चाहिए दिखाओ, तुम कैसे बात करते हो लड़की से? जाओ बात करो। हेलो मैम। हेलो मैम, खत्म हो गया बेटा पैक अप। कौन कौन? सेहर इलियाना। सेहर इलियाना बेटा। इलियाना ज्यादा करीब ना आना, बाल के नीचे ना आ जाना। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे 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 इलियाना का हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ। इलियाना मुझे भी हाथ दे दो। हाथ दो? हां, एक हाथ इधर एक हाथ उधर। और ऐसे अपनी नीज पे बैठ जाओ। है ना सर, उसकी नीज नहीं है, इनके अब बोलो यहाँ तक है। अब बोलो कपिल यार, एक लाइन तो सिखाने दे। ओके ओके। तुम रंग शरबतों का शरबतों का बेटा, शरबतों का। पहले ही नहीं कंट्रोल करता, ऊपर से और खाने पीने वाली चीजें। तुम रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। मैं मीठे घाट का पानी। पूरा बोल बेटा, पूरा बोल। मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का, मीठे घाट का पानी। घाट नहीं बेटा, घाट। घाट घाट का पानी, मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तू, मुझे खुद में खोल दे तू, खोल दे तू। अच्छा सुन, सब कुछ तो ऐसे भाई, एक मिनट थोड़ा रोमांटिक, और चट्टी तेरी पीछे नजर आ रही है। मुझे खुद में खोल दे तू, मेरे यार बात बन जाने। मुझे खुद में खोल दे तू, यार बात बन जाए। वाह। तो अब तुम स्टड बॉय बन गए हो। हाँ। और इससे पहले कपिल कुछ और तुम्हारी, मतलब तुम्हारे साथ ऐसी वारदात हो, तुम वापस जाओ। जोरदार तालियां इनके लिए, बैठिए शायद प्लीज। अच्छा पाजी, मैंने एक चीज देखी है। क्या देखा है? जब से शाहिद इलियाना आए ना, ज्यादातर रोमांस की बातें हो रही हैं। मैंने बर्फी में भी देखा, वहां पे ना इलियाना बिना कुछ बोले ना सामने वाले की फीलिंग समझ आती है, तो काफी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। और शाहिद तो वैसे एक्टर है, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। शाहिद मैं चाहता हूँ कुछ आप ऐसा करो, कुछ ऐसी रोमांटिक मोमेंट हो जिसमें डायलॉग कोई नहीं हो और इलियाना आपको समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा हो जाए एक ऐसा, लेकिन क्योंकि कपिल आप यहाँ हैं जी, और आपकी रोमांस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमाल की है, ऐसी इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर। Really? तो I feel you have it, you know, baby. Okay. तो मैं यहाँ पे इनके साथ इशारे करता हूँ। Okay. और आप उन इशारों की लाइव कॉमेंट दीजिए। Yeah, yeah, please, please, please. Ladies and gentlemen. Yes, yes, please. इसे पंजाबी में कहते हैं आंख मटक्का। इलियाना
इलियाना मुझे हाँ कर दो नहीं तो आंखें फोड़ दूंगा मतलब। क्या रोमांस है, क्या रोमांस है। थोड़ा रोमांस खराब हो गया थोड़ा। नहीं दोबारा पेंट कर दूंगा फिर अकॉर्डियन बजाऊंगा। Am I right? उसके बाद मुजरा देखने चलेंगे। एक और लास्ट चांस। ये तो समझ आ गया यार। कह रहे कल कैसी दाल खिलाई, होठ चिपक रहे हैं। क्या करूं, मेरा हाल मेरे से तभी रोमांस फैंस हो नहीं पाता है। तो ये इन्हीं लोग, ये ही लोग कर सकते हैं भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। एक्सक्यूज मी, उधर आइए। ये आपने क्या जर्मन शेफर्ड वाली नाक लगा के रखी है? कोई भी सेलिब्रिटी आता है आप घुसाती है, सूंघ लेती है आप। क्यों आप फिर घुसाई आज? डंग योर माइंड। जल बकवास नहीं कर रही, वरना मूली का डकार तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी मैं। चुप करो एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। इधर आ जाओ। हेलो हेलो, शाहिद, पलक, पलक, गुत्थी, गुत्थी, इलियाना, इलियाना, गुत्थी, गुत्थी, पलक, पलक, शाहिद, शाहिद, कपिल, कपिल, पलक, पलक, गुत्थी, इलियाना, चुन्नी, सलवार, सलवार, सलवार। देखिए मेरा दिल पता क्या करता है, किस दिन तुम दोनों को ना मैंने गन्ने वाली मशीन होती ना उसमें से निकाल देना मैंने। तुमने तो निकलना मेरी मशीन तोड़ोगी तुम। जूस मी, ज्यादा फालतू बकवास नहीं करनी, समझ आई? यहाँ पे हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे तुम्हारी अभी कभी। हाँ बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप तो कंप्लेंट काजल हो ना? हाँ जी। हम तीनों लड़कियां हैं, ये पहले वाली दो और आप एक तीन। अच्छा बोलिए, बीच में क्यों टांग अड़ाते हो? हम तीनों लड़कियां हैं ना जी। तो मैं ना आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ, आप उसे सॉल्व कर देना मेरी प्लीज। कंप्लेंट है एक बहुत ज्यादा बड़ी। वो क्या है ना, आपकी कंप्लेंट लिखवा दूंगी और इनको बोल दूंगी। ठीक है, आप कंप्लेंट लिखे ना, सॉल्व कर देना। ठीक है, जो भी करना है मेरी कंप्लेंट सुनो। ये है कि मैं ना कंबल लेती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, मैं कंबल उतारती हूँ तो मुझे ठंड लगती है, मैं कंबल से एक टांग बाहर निकालती हूँ मुझे ठीक लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? ये इसके पीछे जो राज है, राजकुमार संतोषी है? नहीं नहीं, राज राज जो इसके पीछे है, मैं उसकी पूरी छानबीन करूंगा। लेकिन ये कौन से मौसम में होता है आपके साथ? मौसम कोई, मानसून में तो मेरे बाल उगाते हैं। मैंने ऐसे मौसम नहीं नोट किया, बट होता है, आमतौर पे होता ही मेरे साथ। ये आप कपड़े पहन के सोती हैं या बिना कपड़ों के सोती हैं? नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी घर वालों के सामने, टीवी पे आता है शो। एक मिनट, इसका सवाल हो गया, अब आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जी जी जी। देखिए क्या है ना, मैं रात को सोती हूँ। ये अनोखी है जो रात को सोती है। फिर रात को जब मैं सोती हूँ, जब मैं करवट लेती हूँ ना, तो मैं एकदम उल्टी हो जाती हूँ। करके दिखा ऐसे के बोल। हाँ, करिए, बकवास कर दिए। क्या होता है, मंजा टूट जाता है। ये मैं रात को सो रही हूँ। राटे तो ले भैंस। अब मैं करवट लेती हूँ। हाँ। मैं ऐसे, और एक बार मैं उल्टी हो जाती हूँ, फिर मैं सीधी हो नहीं पाती, मैं क्या करूं? तो आप दो चार बंदे रख लीजिए जो आपको सीधा कर दिया। नाइट ड्यूटी पे चार बंदे रखिए आप। कपिल जी हमने ना क्रेन रखी हुई थी पहले, पहले उसकी सलवार ठीक करो उसकी। मैंने तेरे को कहा था घर की इज्जत ढकी रहे तो ठीक है, तू मानती नहीं है। थैंक यू। हमने ना आपके सम्मान में ना एक गाना गाना है जी, इफ यू अलाउ मी। यस थैंक यू। कपिल जी मैं गा सकती हूँ गाना प्लीज? खड़का दे खड़का दे। सिद्धू भाई कह रहे खड़का दे प्लीज, एवरी टाइम खड़का दे। कम
ऐसा होता है कि आप किसी गाने पे डांस करो और वो चीज़ अवेलेबल भी हो. इन्होंने नगाड़ा पे डांस किया और नगाड़ा साथ में नाच रहा था. ओके अभी आप जाएंगे या मैं? नहीं नहीं मुझे मोनो एक्टिंग करनी है. आपको मोनो एक्टिंग करके दिखा सकते हैं. मोनो एक्टिंग करके आप चली जाएंगी? देखते हैं. जल्दी करिए प्लीज. हाँ मोनो एक्टिंग जल्दी. मोनो एक्टिंग. आप बैठो बैठो आराम से बैठ के दर्शकों की तरफ मोनो एक्टिंग देखो. बिलीव इज डेडिकेटेड टू यू बोथ ऑफ गाइस. आप बैठिए प्लीज. ये मोनो एक्टिंग मैं डेडिकेट करने जा रही हूँ इन दोनों को और फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार तुलसी को. मोनो एक्टिंग स्टार्ट. इलियाना इसमें आप हैं. अच्छा. और आपका नौकर है. बिकॉज आप अमीर लगती है ना देखने से. आपके नौकर होंगे ही. इलियाना नौकर जी. ए नौकर मच्छरों को मार दो. गुन 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 कर रहे हैं. मच्छर मार दिए मालकिन. फिर ये गुन 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 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मच्छर मार दिए उनकी विधवाएं जो रो रही हैं. बकवास करते मेरे सामने. निकल जा नौकरी से. इनके लिए जोरदार ताली गुप्ती और पलक के लिए. शुक्रिया. इन केस अगर आप ये पागल पंक्ति देखना भूल जाएं तो ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ इतना करना अपना मोबाइल उठाएं और टाइप करें KAPIL और उसको भेज दीजिए 56882 पे और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की. शाहिद इलियाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप कॉमेडी नाइट्स में आए. और एक खुशी की बात और आपको बताना चाहता हूं कि इनकी फिल्म का एक गाना है. वैसे तो सारे गाने बड़े पॉपुलर हो रहे हैं. हाँ. सब लोगों के मुंह पे चढ़े हुए हैं लेकिन एक गाना है धत्तिंग नाच. हर FM पे हर TV पे बज रहा है. और ये और भी खुशी वाली बात है कि उस गाने की जो गायिका है जो सिंगर है नेहा कक्कड़ वो भी हमारे बीच मौजूद है. उनके लिए जोरदार तालियां.